हेलो दोस्तों, तो अब आपके लिए आपका बिजनेस मैनेज करना काफी आसान होने वाला है, क्योंकि हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर के साथ बिजनेस मैनेजमेंट को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि अपने बिजनेस को इस शानदार सॉफ्टवेयर के जरिए आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इसमें देखेंगे कि न्यू इनवॉइस कैसे निकालें, परचेज की एंट्री कैसे करें, अपने बैंक को कैसे मैनेज करें, बिजनेस में होने वाले डेली एक्सपेंसेस को कैसे मैनेज करें, क्लाइंट कस्टमर और उनके क्रेडिट को किस तरह से मैनेज करें। यही नहीं, इसके जरिए हम ऑफिस के स्टाफ को भी मैनेज कर सकते हैं, सैलरी से लेकर अटेंडेंस तक, लीव से लेकर बायोमेट्रिक मशीन अटैच करके मैनेज किया जा सकता है। इसके अलावा इस सॉफ्टवेयर में आपको मिलेगी कई तरह की एडवांस रिपोर्ट, जो कि आपके बिजनेस के लिए बहुत ही काम की होने वाली है। इसमें आप जीएसटी की सेल्स और परचेज की रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं। यही नहीं, मास्टर में आप अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स और सर्विस भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इसके जरिए बारकोड भी जनरेट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि बिजनेस में आइटम को कैसे ऐड करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले प्रोडक्ट में जाना है और फिर ग्रुप बनाना है। यहां ग्रुप का मतलब है आइटम की कैटेगरी क्या है। मान लीजिए कि हम किसी कंप्यूटर की शॉप के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हमारा एक ग्रुप लैपटॉप हो सकता है। इसके अंदर अब हम टैग्स और कोड भी डिफाइन कर सकते हैं। हम यहां पर ब्रांड का नाम भी दे सकते हैं। मान लीजिए लैपटॉप की कंपनी डेल है। अगर बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, तो फिर हम आइटम कोड भी डिजाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रोडक्ट का नाम भी यहां पर डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए डेल कंपनी है, तो प्रोडक्ट का नाम वोस्ट्रो हो सकता है। इसके साथ ही हम परचेस प्राइस से लेकर सेल्स प्राइस और मिनिमम सेल प्राइस, जिसके नीचे हमें सेल नहीं करना है, वो सभी बिल्कुल उसी तरह से इंसर्ट कर सकते हैं जैसे हम यहां पर आपको इंसर्ट करके दिखा रहे हैं। यूनिट्स आपके नंबर्स में है या पीस में, आपके बिजनेस के मुताबिक ये भी आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक, यानी फिलहाल आपके पास कितना स्टॉक है, ये भी आप इसमें लिख सकते हैं, और सेल्स डिस्काउंट भी आप यहां पर दे सकते हैं। लेवल लिमिट भी यहां पर डिफाइन की जा सकती है, जिसका मतलब है कि एक वक्त पर कम से कम आपके पास कितना स्टॉक होना चाहिए, जिससे कि अगर उसमें कम स्टॉक हो जाए तो आपको उसका अलर्ट आ जाएगा। इसके साथ ही आप प्रोडक्ट टाइप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका प्रोडक्ट जनरल है, फुटवेयर है या फिर अपेरल है। यही नहीं, आप अपने प्रोडक्ट का सीरियल नंबर भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे लैपटॉप की बात कर रहे हैं, 4GB रैम एक्सेट्रा। इसके अलावा आप वन क्लिक बिलिंग भी कर सकते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट सेल के लिए नहीं है, तो आपके इंटरनल यूज के लिए है, तो आप उसमें नॉट फॉर सेल भी डाल सकते हैं। अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट की ट्रैकिंग करनी हो, तो इनेबल ट्रैकिंग का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, और इस तरह से आपका प्रोडक्ट रेडी हो जाता है। अब हम बनाते हैं न्यू इनवॉइस। न्यू इनवॉइस आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर आपको जीएसटी बनाना है या नॉन जीएसटी बनाना है या फिर बिल ऑफ सप्लाई करना है, तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इनवॉइस नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है, जिसे आप मॉडिफाई या एडिट भी कर सकते हैं। आप इसे बैक डेट में भी बना सकते हैं और आगे की डेट में भी बना सकते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई डाल के आप ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि आपको IGST में जाना है, CGST में जाना है या SGST में जाना है। आप कैश में भी बिलिंग करा सकते हैं और क्लाइंट का अकाउंट भी मैनेज कर सकते हैं, जिसे मैनेज करने के लिए आप डायरेक्ट उनका अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से आप उनका नाम, एड्रेस, जीएसटी नंबर और सोल्ड बाय, यानी कि किसने भेजा है, ये डाल सकते हैं, और ऐसे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। इसके बाद आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, फिर यूनिट सेलेक्ट करना है, कितनी क्वांटिटी है ये भी मेंशन करना है, जिसके बाद ऊपर से आ जाएगा कि मिनिमम सेल प्राइस क्या है,
एमआरपी क्या है, स्टॉक कितना है। यहां पर आप फिर से सेल प्राइस भी डिफाइन कर सकते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज भी दे सकते हैं। इसके बाद एड शिपिंग कॉस्ट से आप शिपिंग कॉस्ट भी एड कर सकते हैं, और अगर कुछ रिमाइंडर सेट करना है तो रिमाइंडर भी सेट किया जा सकता है। फिर आता है पेमेंट मोड। तो हम बता सकते हैं कि पेमेंट मोड क्या है, कैश से है या चेक से या फिर कैसे है। इसको फिर आप सेव एंड प्रिंट करके आप प्रिंट भी निकाल सकते हो, यहां से आप प्रिंट निकाल सकते हैं, यहां से पीडीएफ में ले सकते हैं और यहां से सीधे मेल भी कर सकते हैं, ओरिजिनल डुप्लीकेट कॉपी भी निकाल सकते हैं। बस कुछ इस तरह से आपका इनवॉइस बन जाता है। इसके बाद आप परचेस की एंट्री भी कर सकते हैं, जिसमें सप्लायर पेमेंट और क्या आपने परचेस किया है, क्या क्वांटिटी है, ये सब आ जाएगा। क्लाइंट एम्प्लॉय और सप्लायर इस तरह से ऐड किए जा सकते हैं। इस तरह से बिजनेस में होने वाले डेली एक्सपेंसेस मैनेज कर सकते हैं। रिमाइंडर भी आप सेट कर सकते हैं। जो रिमाइंडर आपने सेट किया है वो आपको यहां पर दिखता है। पेमेंट का आउटस्टैंडिंग आप देख सकते हैं और यहां से रिसीव भी कर सकते हैं, और जब सप्लायर को पेमेंट करना हो तो सीधा यहां से भी कर सकते हैं। आप बने हुए इनवॉइस को एडिट मॉडिफाई भी कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। इस तरह से आप डिलीवरी नोट, कोटेशन भी बना सकते हैं। इस तरह से आप परचेस की एंट्री भी कर सकते हैं और बने हुए बिल भी मॉडिफाई कर सकते हैं। आप परचेस ऑर्डर, परचेस रिटर्न, एड स्टॉक और सप्लायर का अकाउंट भी मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप बैंक भी मैनेज कर सकते हैं, जिसमें आप बैंक में होने वाले ट्रांजैक्शन को भी मैनेज कर पाएंगे, बिजनेस में होने वाले डेली एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हैं, क्लाइंट का अकाउंट भी देख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग भी देख सकते हैं और तो और स्टाफ को भी मैनेज कर सकते हैं, रिपोर्ट में आए मल्टीपल रिपोर्ट देख सकते हैं, कैश बुक से कितना कैश आया, कितना कैश गया वो भी आप देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। इन्वेंट्री में आप देख सकते हैं कि आपके पास कितना स्टॉक है, जिसे आप ग्रुप वाइज भी देख सकते हैं और ब्रेड वाइज भी देख सकते हैं। इस तरह से आप सेल्स भी देख सकते हैं कि कितना सेल हुआ, कितने दिनों में हुआ। वो रिपोर्ट जो आपको उच्च अधिकारियों को देनी होती है वो आप सीधा एक्सेल में इम्पोर्ट करके दे सकते हैं। इसके बाद हम टूल्स में आते हैं, जिसमें हम रिमाइंडर देख सकते हैं कि कौन कौन सा रिमाइंडर सेट किया है। SMS प्रमोशनल मैसेज सेंड कर सकते हैं। यही नहीं, आप यहां पर बारकोड भी जनरेट कर सकते हैं, जिसमें आपको सेलेक्ट करना है कि कितने बारकोड निकालने हैं। ये ऐड कर दिया और इस तरीके से आपका जनरेट हो गया बारकोड। ये सॉफ्टवेयर बारकोड प्रिंटर भी सपोर्ट करता है। ज्यादा प्रोडक्ट है तो आप प्रोडक्ट को इम्पोर्ट भी कर सकते हैं, जिसमें आप सैंपल फाइल डाउनलोड करके डाटा इम्पोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आप उसका एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। यहां पर आपका हर रोज का सेल दिख जाता है, क्लाइंट का जो ड्यू है वो भी आपको यहां दिख जाता है, उनके जो चेक लगने वाले हैं वो भी यहां दिख जाता है, स्टॉक को भी हम डायरेक्ट यहां से सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है क्या नहीं। यानी कि पूरे बिजनेस को हम यहां इस सॉफ्टवेयर पर एक डैशबोर्ड पर मैनेज कर सकते हैं। इसी तरीके से हम वन क्लिक बिलिंग भी सेट कर सकते हैं। जैसे कि कुछ दुकानों पर कुछ चीजें बहुत ज्यादा सेल होती हैं, तो उसमें वन क्लिक बिलिंग की जरूरत होती है। फर्ज कीजिए कि किराना की दुकान में जिस तरह से चीनी की सेल होती है तो उसमें वन क्लिक बिलिंग की जरूरत होती है। इसके अलावा इसमें GST कैलकुलेटर भी है। अब जब हम सेटिंग्स में जाते हैं तो उसमें दो तरह के बिलिंग इंजन हैं, जो पूरे भारत में एक ही कंपनी ने दिया हुआ है। अभी हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो जनरल बिलिंग यूजर इंटरफेस है। इसको हम पॉइंट ऑफ सेल्स के हिसाब से भी कर सकते हैं। आपको बिलिंग में जाकर इसे बदलना है। यहां पर आपको कैटेगरी दिखेगी, ये टच स्क्रीन में भी काम करता है। पॉइंट ऑफ सेल को हम POS भी बोल सकते हैं। यहां बारकोड स्कैन करेंगे तो अपने आप ऐड हो जाएंगे और फिर आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको GST निकालना है कि नॉन GST, क्लाइंट का निकालना है कि किसी और का। यहां पर आपको पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है। मान लीजिए
आपका बिल 18,000 का हुआ और कस्टमर ने आपको 20,000 रुपए दे दिए, तो आपको 2,000 रिटर्न करने का भी कैलकुलेशन इसमें दिखेगा। इस बिल को आप फिर सेव और प्रिंट भी कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर को 1,00,000 से भी ज्यादा हैप्पी कस्टमर्स यूज कर रहे हैं और इसे आप भी यूज कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए कोई ज्यादा कंप्यूटर नॉलेज की जरूरत नहीं है, और अगर आपका छोटा बिजनेस है तो आप इसका फ्री लिमिटेड वर्जन यूज कर सकते हैं। अगर आपको कम इनवॉइस निकालनी है तो फ्री लिमिटेड वर्जन आपके लिए बेस्ट है, और अगर आपको ज्यादा इनवॉइस निकालनी है तो आप इसका प्रीमियम वर्जन भी यूज कर सकते हैं।